हमारे पास दो और हैं गाइस। दो और चांसेस, हमें सिर्फ एक चाहिए। ओ ओ ओ, वो वर्टिकल है, पास आ रही है। तुम्हें मिल गई? हाँ हाँ मिल गई। शाबाश। अच्छा है, अच्छा है, ऊपर आ रही है, काफी तेजी से ऊपर आ रही है, ये बड़ी हो सकती है। मुझे वहां पर एक शैडो दिख रही है, लेकिन अभी तक शार्क नहीं दिखाई थी। काफी बड़ी है। हाँ वो काफी बड़ी ये है। एक मॉन्स्टर है। वाओ, ये। ओह इसका साइज तो बहुत बड़ा है। ओह टाइगर, नहीं, टाइगर है। ये टाइगर शार्क है। टाइगर। ये भी कम है। शार्क्स में बहुत ताकत होती है, वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ओह ये उलझ गई है, रुको रुको, ये बुरी तरह से उलझ गई है। हाँ। उसको स्पिन करना पड़ेगा, अपनी तरफ नीचे। जब आप एक शार्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो भी पूरी ताकत लगाती है। आपको उससे मुकाबला करने के लिए पूरा दम लगाना पड़ता है। आपको उस लड़ाई के लिए फिजिकली तैयार रहना चाहिए, और सच कहूँ तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके सामने मुकाबले में कई सौ किलो का जानवर होता है। हालांकि ये बहुत ड्रामेटिक लगता है, पर हम बहुत ध्यान देते हैं। ये बड़े जानवर बहुत बुरी तरीके से काट सकते हैं, तो कोई इनका शिकार नहीं बनना चाहता। तो हमारी दो प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी और शार्क की, दोनों की सेफ्टी। हम उसे प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ठीक था, वो ठीक था, ये रैप हो चुकी है। हम उसकी ताकत से नहीं लड़ सकते हैं, तो हमें इन जानवरों को कंट्रोल में करने के लिए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर हम अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनसे जरूर हार जाएंगे। ये ऊपर आने को तैयार नहीं है। खींचो, मैंने टेल पकड़ी है। पकड़ा? हाँ। पकड़ ली। ध्यान से खींचना मत। पकड़ लिया। हो गया। अब ये शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस शार्क को सरफेस पे लाए हैं, पर अब भी इसमें बहुत एनर्जी है और इसलिए ये बहुत एक्टिव है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर अब हमने इसे उल्टा कर दिया है, जिससे ये बेहोश सी हो गई है। तो अब ये टॉनिक इमोबिलिटी में चली जाएगी। इसमें कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये शांत हो जाएगी, उम्मीद तो है। शायद ये शांत हो रही है। हाँ। मेरी तरफ से ढीली पड़ गई है। ये धीरे धीरे शांत हो रही है। मुझे डीएनए टूल देना। ऐसा हर रोज नहीं होता कि आपका पाला एक 11-12 फुट लंबी टाइगर शार्क से पड़े। हाँ। या, हमें डीएनए सैंपल मिल गया है। हालांकि हम हैमर हेड्स को ढूंढ रहे थे, हमने जेनेटिक सैंपल्स इकट्ठे किए और मेजरमेंट्स ली। उससे हमें टाइगर शार्क्स और शार्क्स की दूसरी स्पीशीज को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। अब हम इसे छोड़ सकते हैं। अपनी एल्बो से खींचो। हाँ, हो गया। हटा दी। बस हो गया, शाबाश। टेल रोप हटा दो। हाँ। ये दूसरी तरफ तैर रही है। ठीक है, शॉट के लिए जा रही है। वो जा रही है। अब मौसम खराब हो रहा है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, अब कैमरा टैग्स निकालने का समय नहीं है। आज के लिए काफी हो गया है। हाँ, अब चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी एक और है। लाइन आ रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ है, बुई हिल रहा है। वो बुई बहुत सीधा है। हाँ। हो सकता है वो हो। तुमने उसकी पूरी बॉडी देखी? नहीं, बस एक झलक देखी। ओके। ओह, ये तो कुछ बड़ा है, ये पक्का एक हैमर हेड हो सकती है। अच्छा, ठीक है। ओह यस, हेलो डार्लिंग, वो तैर रही है, वो तैर रही है। ओके, अब खींच लो। थ्री गुड। अभी भी है? नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। ओह नो। सच में? हाँ। टाइमर तो पूरा नहीं हुआ ना? 5 मिनट बता रहा है। अब कोई टेंशन नहीं है, चली गई है। शूट, चली गई है? और कोई बेट भी नहीं है और हुक भी नहीं है। हुक नहीं है। हाँ, ओ, देखो, सीधा हुक है। क्या बात है, इसको रिकॉर्ड जरूर कर लेना। गया। सीधा है, सीधा और टूटा हुआ। देखो तो जरा। ओह वाओ, जरा इसके टिप को देखो। ऐसा कभी नहीं देखा है। जब हम लाइन को खींच रहे थे तो उसके एंड पर पक्का एक शार्क ही थी। लाइन सरफेस तक आ रही थी, जो हैमर हेड्स अक्सर करती हैं जब हुक में फंसती हैं। तो उस वक्त मुझे लगा था कि वही है, पर वहाँ पर जो भी था उसने हुक को तोड़ दिया और सीधा कर दिया। शायद कोई बहुत बड़ी चीज फंसी थी इसके एंड पर। वो हैमर हेड थी। अरे ये क्या हुआ? शायद दुनिया की सबसे बड़ी हैमर हेड थी। यकीनन वो बीस्ट थी, बहुत बड़ी थी। ये काफी बड़े स्टेनलेस स्टील के हुक्स होते हैं, तो इसको तोड़ना और सीधा कर देना किसी छोटे मोटे जानवर का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये आखिरी था। हाँ, ये हमारा लास्ट शॉट था।
हमारे हाथ में आकर निकल गई। हमें इसे रखना होगा चाहे हमें दुनिया की सबसे बड़ी शार्क ना मिले। आज का दिन यादगार है। तो आखिर हम उन हैमरहेड शार्क्स को तो नहीं पकड़ पाए जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, पर फील्ड वर्क में इस तरह की चीजें होती हैं। वैसे इस तरह की शार्क्स मुश्किल से ही दिखती हैं। हाँ, तो ये एक तरह का तुक्का होता है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर बहुत शार्क्स हैं, पर बात यह है कि जब तक वो टाइगर्स और नर्सेस को पीछे छोड़कर बेट तक नहीं पहुँचेंगी तब तक हमें नहीं मिल पाएंगी। ये खेल कोशिश और किस्मत दोनों का है। आज हमने बहुत कोशिश की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस टीम को फ्लोरिडा से खाली हाथ लौटना पड़ा, पर इनकी सबसे बड़ी ग्रेट हैमरहेड की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। हमें बिमिनी शार्क लैब से एक दिलचस्प जानकारी मिली है। वो जगह जहां से मैंने 20 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। असल में उन्होंने पिछले साल डाइव साइट पे अब तक की सबसे बड़ी हैमरहेड को देखा था, इसलिए वो चेक करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। हमें ग्रेट हैमरहेड्स के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको स्टडी करना मुश्किल है। इसलिए डेटा इकट्ठा करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाया जाए और हम आखिर में कामयाब हो ही जाएंगे। एक बात जो हमें हैमरहेड्स की मूवमेंट्स के बारे में पता है वो ये है कि वो फ्लोरिडा और बहामस के बीच आती जाती रहती हैं और इसीलिए कहीं ज्यादा और कहीं कम होती हैं। शायद इसीलिए हमें यहाँ फ्लोरिडा में ज्यादा नहीं दिख रही हैं, क्योंकि शायद उनमें से कुछ बहामस चली गई हों और अब हम भी वहीं जाने वाले हैं। तो पिछले साल लगभग इसी समय शार्क लैब का सामना उस सबसे बड़ी ग्रेट हैमरहेड से हुआ था जो रिकॉर्ड में भी है। उसके अलावा भी वो कई बड़े जानवरों को देख चुके हैं। किसी भी ग्रेट हैमरहेड शार्क को देखना शानदार होता है, उन्हें देखने का मजा ही कुछ और है। मैं बहामास से हूँ और अपनी होम कंट्री में काम करने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ का सारा पानी एक शार्क सेंचुरी है तो हमारे यहाँ पर शार्क्स बहुत बहुत सेफ है। बहामास शार्क्स के लिए और खासतौर पर हैमरहेड शार्क्स के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह है।